अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक लड़का बाइक स्टार्ट कर रहा था, दूसरा एक और आके इसके साथ बैठ जाता है। ये तीन लड़के जैसे ही बाइक पर बैठते हैं और आगे जाने की कोशिश करते हैं, तो इतने में ये कोई बातें करने लगते हैं या इनका पेट्रोल बंद हो जाता है। ये पेट्रोल का लॉक इतने में खोलते हैं, एक लड़का ऊपर देख रहा होता है, ऊपर किसी से बातें कर रहा होता है। इतने में पीछे से डकैत आते हैं। जो लड़का पीछे बैठा हुआ होता है वो पहले से ही देख लेता है, डकैत आगे जाके रुकते हैं और ये लड़का जैसे ही डकैतों को अपने हाथ में देखता है तो अपना मोबाइल एक सेफ़ जगह पर छुपा लेता है। डकैत आता है, सबसे पूछता है। इतने में ऊपर से कोई खड़ा हुआ उसके ऊपर डकैतों के ऊपर सामान फेंकता है। डकैत फिर भी अपनी लूटा मारी जारी रखते हैं और दोनों तीनों लड़कों से मोबाइल छीन कर फरार हो जाते हैं। लेकिन वाइट कमीशन वाला लड़का जो अपना मोबाइल छुपा चुका होता है वो अपना मोबाइल बड़े आसानी से सेव करके बचा लेता है। इतने में डकैत आगे फरार हो जाते हैं और भाग जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक लड़का बाइक स्टार्ट कर रहा होता है, दूसरा एक और आके इसके साथ बैठ जाता है। ये तीन लड़के जैसे ही बाइक पर बैठते हैं और आगे जाने की कोशिश करते हैं, तो इतने में ये कोई बातें करने लगते हैं या इनका पेट्रोल बंद हो जाता है। ये पेट्रोल का लॉक इतने में खोलते हैं, एक लड़का ऊपर देख रहा होता है, ऊपर किसी से बातें कर रहा होता है। इतने में पीछे से डकैत आते हैं। जो लड़का पीछे बैठा हुआ होता है वो पहले से ही देख लेता है, डकैत आगे जाके रुकते हैं और ये लड़का जैसे ही डकैतों को अपने हाथ में देखता है तो अपना मोबाइल एक सेफ़ जगह पर छुपा लेता है। डकैत आता है, सबसे पूछता है। इतने में ऊपर से कोई खड़ा हुआ उसके ऊपर डकैतों के ऊपर सामान फेंकता है। डकैत फिर भी अपनी लूटा मारी जारी रखते हैं और दोनों तीनों लड़कों से मोबाइल छीन कर फरार हो जाते हैं। लेकिन वाइट कमीशन वाला लड़का जो अपना मोबाइल छुपा चुका होता है वो अपना मोबाइल बड़े आसानी